नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। आईटीसी लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। और तीसरी तिमाही के नंबर्स आने थे, Q3 FY22 के नंबर्स आने थे, कंपनी की तरफ से अपडेट आया है, तो नंबर्स को चेक करते हैं और टोटल इनकम की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं और EPS में कितनी ग्रोथ आई है उसको चेक करते हैं। शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं तो स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ आया, रिजल्ट से पहले एक तेजी बनी है। इसका जो 52 वीक हाई था 265.30 रुपये 18 अक्टूबर 2021 को बनाया था, तब से एक तरह से स्टॉक में गिरावट है। अब तीसरे तिमाही के नतीजे आए हैं तो सबसे पहले नंबर्स को चेक कर लेते हैं और डिविडेंड क्या दिया है उसको भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों ITC लिमिटेड की Q3 तीसरी तिमाही के नंबर्स को चेक कर लेते हैं। स्टैंडलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये, करोड़ में नंबर्स हैं और इस क्वार्टर में 31/12/2021 के क्वार्टर में तीसरी तिमाही में जो रेवेन्यू हुआ, टोटल इनकम की बात करते हैं सीधे से 17,616 करोड़ का टोटल इनकम है इस क्वार्टर में और एक साल पहले 14,230 करोड़ का टोटल इनकम था और Q2 में 13,733 करोड़ का। Q3 FY22 में ITC लिमिटेड का टोटल इनकम है 17,616 करोड़। तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी ग्रोथ आई है और सालाना भी ग्रोथ आई है दोस्तों, तो टोटल इनकम 17,616 करोड़ का है। अब एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं और एक्सपेंसेस क्या है, 12,124 करोड़। तो कंपनी को प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 5,492 करोड़ का है और एक साल पहले 4,880 करोड़ का था और Q2 में था 4,880 करोड़। सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 4,156 करोड़ का प्रॉफिट है और एक साल पहले 3,697 करोड़ का प्रॉफिट था और Q2 में 3,687 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखिए सालाना भी प्रॉफिट बढ़ा है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी प्रॉफिट बढ़ा है ITC का। और टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 4,132 करोड़ का है और Q2 में था 3,751 करोड़, साल भर पहले 3,848 करोड़। अर्निंग पर शेयर की तरफ ध्यान देते हो 3.37 का है, Q2 में 3 का था और साल भर पहले 3 का था। दोस्तों ITC लिमिटेड के Q3 FY22 के जो नंबर्स आए हैं, टोटल इनकम सालाना भी बढ़ के आया है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ के आया है। 17,616 करोड़ का टोटल इनकम है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट जो है कंपनी को 4,156 करोड़ का प्रॉफिट है, अर्निंग पर शेयर हो गया है 3.37 का, तो एक बढ़िया रिजल्ट पेश किया है ITC लिमिटेड ने। अब दोस्तों डिविडेंड की बात करते हैं तो कंपनी ने तीसरी तिमाही FY22 में, Q3 FY22 में जो डिविडेंड का ऐलान किया है, डिक्लेयर किया है इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5.25 रुपीज़ पर ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 1 रुपीज़ इज, 5.25 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इंटरिम डिविडेंड है और रिकॉर्ड डेट जो है दोस्तों 15 फरवरी 2022 है। पेमेंट जो होगा दोस्तों, डिविडेंड विल बी पेड ऑन फ्राइडे 4 मार्च 2022। तो दोस्तों ITC लिमिटेड ने तीसरी तिमाही में 5.25 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया है और 15 फरवरी 2022 इसका रिकॉर्ड डेट है। डिविडेंड विल बी पेड ऑन फ्राइडे 4 मार्च 2022। दोस्तों वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोज देखने के लिए। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं तो 233 तक पहुंचा है ये और इसमें जो तेजी बनी है नीचे के लेवल पे, 211 से पहुंचकर ऊपर की तरफ 235 तक पहुंचा है। ऊपर की तरफ देखिए अगर ये 237 रुपये 239 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तब इसमें एक तेजी आती हुई दिखेगी, लगभग 242.50 रुपये, और 242-243 के ऊपर क्लोज होता है तो और तेजी आने की संभावना रहेगी। ऊपर की तरफ लगभग मान के चलेगी 247-250 तक जाता हुआ दिखेगा। बट ITC का जो ट्रेंड है अगर हम पिछले साल के अनुसार देखते हैं, देखिए पिछले साल 4 फरवरी 2021 को 229.95 रुपये में था, उसके बाद एक गिरावट आई, नीचे की तरफ स्टॉक आया, लगभग 205 तक आया, 203.85 रुपये 26 जनवरी 2021 को था। उसके बाद देखिए थोड़ी बहुत तेजी रही और एक तरह से नीचे की तरफ ही रहा, बट ये कि 200 का सपोर्ट इसने लिया है। साल भर का अगर हम ट्रेड देखते हैं तो 200 का सपोर्ट इसने लिया है और स्टॉक ऊपर की तरफ भी हाई बनाया इसने 265 का, 265.30 रुपये इसने हाई बनाया और स्टॉक में फिर एक मुनाफा वसूली हुई, गिर के नीचे की तरफ आया 211। अब तीसरे तिमाही के नंबर्स आए हैं, 233 में है, तो अगर ये 230 के नीचे स्लिप होगा तो इसमें गिरावट रह सकती है, 224-220 तक आता हुआ दिखेगा। बट ये कि आने वाले समय में जिस तरह की खबरें हैं ये अपने 52 हाई को ब्रेक करता हुआ दिखेगा।
तो दोस्तों जो शेयर प्राइस का ट्रेंड है नीचे की तरफ 200 का सपोर्ट, ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो 265 का हाई है। 2021 की बात करते हैं तो 50-60 पॉइंट के बीच ये घूमा है दोस्तों। ये ITC लिमिटेड के Q3 FY22 के नंबर्स का अपडेट था और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया गया है। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ITC का जो प्राइस परफॉर्मेंस है 3 साल का रिटर्न माइनस में है, इसका भी 16% का माइनस रिटर्न है। जिन्होंने 3 साल के अनुसार अपने पोर्टफोलियो को रखा है ITC को, तो माइनस रिटर्न दिया है। जैसे कि हम लोगों ने गेल इंडिया का देखा, कोल इंडिया का देखा, तो माइनस रिटर्न दिया है पिछले 3 साल के अनुसार। उसी तरह से ITC का भी रिटर्न माइनस में है, 16% माइनस में है दोस्तों। का जो मार्केट कैप है 2,88,000 करोड़ का है, फेस वैल्यू 1 रुपए का है, बुक वैल्यू पर शेयर देखते हैं 47 का है, EPS की बात करते हैं तो 11 का, और डिविडेंड यील्ड 4.59 का है दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।